बाबू यादव तुम को अरेल रे हैं अरे तरसाए हेलो इसी के बीच हमारे देखिए मीठे मीठे चलते रहेंगे भैया बड़े भ्राता जी सेवक राम यादव जी कस्बा स्थान उमरे की तरफ से आपके सामने पेटी पर संगत दे रहे हैं। मैं भैया के लिए गोटा को धन्यवाद देता हूं और आपके सामने हमारे नकारा बाजक हुकम सिंह पैरागी निवास स्थान हिरौनी की तरफ से ये नकारे पर संगति दे रहे हैं और ये मीठा मीठा बज रहे हैं। चोप सिंह भैया कस्बा स्थान चरवाड़ी की तरफ से आपके सामने ढोलक पर संगति दे रहे हैं और ये हमारे साथी कलाकार छोटे लाल कस्बा ततेरा की तरफ से बड़े भैता जी जे रानी के रोल पर अपना कमाल दिखा रहे हैं और दूसरे साथी चीरा राणा कस्बा स्थान करणपुर खादर की तरफ से ये दो पार्ट पर अपना काम दिखा रहे हैं और हमारे तीसरे कलाकार लेडीज में बड़े भ्राता जी पप्पू भैया कस्बा तिलौड़ा की तरफ से और हमारे साथी उस्ताद जी श्रीमान चिरंजी लाल कोणपुर चानन की तरफ से और हमारे माननीय आपके सामने रामबाबू यादव निवास स्थान रजावली की तरफ से आपको इस ढोला का दोस्तों बड़ी आनंद आएगा। किस प्रकार से रानी मंजा आज काग रखाएगी और राजा नल से राजा प्रथम से किस प्रकार से बातचीत कह रही है और राजा प्रथम राजसभा को बंद करके और किस प्रकार से छत अटारी पे रानी मंजा के पास जा रहे हैं। अरे पतरी कमर उमारी जाती बारी चोली के बंद चत्ता चत्त लागे जानी के मत मंजा छाए रही देख के सूरत राजा पे रतम की छे छे लपेटा तलवासन खाए रही लखे रही पत अरे अपने की वो मंजा रानी मंजा आज रनवासों में बैठी हुई राजा प्रथम का पैड़ा देख रही है। आज मेरे पति महाराज आते होंगे और किस प्रकार से रानी का रोल अदा करने के लिए हमारे बड़े भ्राता जी मालपुर ततेड़ा की तरफ से आ रहे हैं। छोटे भ्राता जी कैसे वो लख रही दुखिया और कैसे पहुंचे अरे दुल्हन के ले प्रथम पार कैसे अरे बतलाए रही अपनी प्राणन अरतारी प्यारी जागत होए उठ बोल तसवत होए तो जागिए अरे मंझा जागत होए उठ बोल अरे पीतम ठाड़े तेरे द्वार पे
रानी झजन की बारी उठी मेरा गाने आवत देखे बाल मा उठी मेरा गाने नीना मेरे बैठो बलम भर भर चतरा पेटरिया अजय पलम को पलका बिछा के सुन भैया पंखा से ठोर रही प्यार पूछ रही उनके दिल की बिछाई और पलका पे लेवन पलम बैठाई वो पलका नीचे महल में नहीं था चित्रटारी पे था चौदह मंजिल पे जब दोनों मियां बीवी चौदह मंजिल पे आपस में बतला रहे तो देखिए आगे क्या हुआ तो आपको मालूम पड़ेगी कि रानी मंझाने किस हिसाब से काग उड़ाए और कौन सी सत पे उड़ाए वो यहाँ से ढोला हमारे राम बाबू यादव जी ने पीछे से डारोए कि समझ में आवे कि काग कैसे उड़ाए कौन सी सत पे उड़ाए सुन भैया बत पलम की कर रही प्यार पूछ रही उनके मन की महाराज आप बैठिए और एक बात बताइए महाराज रानी पूछिए क्या बात दो मियां बीवी दोनों आपस में बतला रहे तो पक्षी को जोड़ा उड़ के ऊपर से गौ लेकर के तो रानी मंजा कहने लगी महाराज रानी तुमने ऊपर नजर करी हाँ रानी मैंने ऊपर को नजर करी जे बताओ जो पक्षी को जोड़ा गौ है उड़ के हाँ रानी जे कागे के हंसे जे रानी कागों का जोड़ा नहीं महाराज ये हंसन का जोड़ा है हंसन का नहीं रानी कागों का जोड़ा है नहीं महाराज जे हंसन का जोड़ा है तुम काग बता रहे हो अरे झूठ बोल रही प्यानन प्यारी ये पता है कोई सत्र को दे रही है दोस्त तू मेरी आंखों को दोष दे रही है मैं झूठ कह रही हूँ झूठ कह रही है जय हंस है महाराज रानी ये काग है सुनो तुम्हारी मेरी एक सत्य है क्या सत्य रानी अगर जे काग लिख रहे तो फिर क्या होगा आप ही बताइए मेरे संग में क्या करोगे काग लिख रहे क्या होगा और हंस लिख रहे तो क्या करोगे आप बताइए क्या सत्य रानी
होना चाहिए रानी, जब हंस निकले तो कहां चले जाओगे? अरे हंस निकले कहूं कमल तालन पे, जियता जियता नरा पर लाए लिंगो, कहां चले जाओगे? पलमा तपोबल को जाने नारे लौट पंगे। 12 साल को, 12 साल के लिए मैं तपोबल को चला सेवा करने, लौट के 12 साल के अंदर आओगे नहीं? नहीं। और काग लिख रहे फिर तुम का करोगे? अरे 12 साल तक कागज उड़ा। अच्छा जी, मिलता चुनौती।